देश के दिग्गज उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने बुधवार देर रात दुनिया को अलविदा कहा। उन्होंने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। इस खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि रतन टाटा को उनके औद्योगिक योगदान और सरल स्वभाव के लिए देश भर में ज्यादा सम्मान और प्यार मिलता था। टाटा सन्स के वर्तमान चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने उनके निधन की पुष्टि की है। रतन टाटा के इस तरह चले जाने से हर कोई हैरान है। 3 दिन पहले तक उनकी सेहत बिल्कुल नॉर्मल थी। वो अपने डेली के काम कर पा रहे थे और ऑफिस मीटिंग्स में भी हिस्सा ले रहे थे। हालांकि 7 अक्टूबर को उन्हें अचानक मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में भर्ती होने के पीछे उनकी उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की वजह बताई गई थी। उनके ऑफिशियल एक्स हैंडल से ये जानकारी दी गई थी कि उन्हें नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाया गया है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनकी आखिरी हॉस्पिटल यात्रा साबित होगी। रतन टाटा ने 9 अक्टूबर की रात दुनिया को अलविदा कह दिया, जिससे देश भर में शोक की लहर फैल गई है। जानकारी के मुताबिक रतन टाटा का ब्लड प्रेशर डाउन हो गया था। लो बीपी के चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। हार्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहरुख अस्पी गोलवाला की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। हालांकि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बढ़ती उम्र के कारण डॉक्टर्स के तमाम प्रयासों के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। जानकारी के मुताबिक लो ब्लड प्रेशर के कारण वो हाइपोटेंशन से पीड़ित थे, जिसके कारण शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। बुजुर्गों को इससे ज्यादा समस्या होती है। उनके शरीर में डिहाइड्रेशन की भी समस्या हो गई थी। रतन टाटा की बात करें तो रतन टाटा सादा जीवन और उच्च विचारों के प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ जिया। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने न केवल कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि देश और दुनिया भर में भारतीय उद्योग को भी नया मुकाम दिलाया। रतन टाटा ने जीवन के आखिरी दिनों में एक्टिव और स्वस्थ रहने का प्रयास किया। हालांकि उम्र संबंधी समस्याओं और हाई ब्लड प्रेशर से जूझने के बाद उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी। रतन टाटा के निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। उद्योग जगत से लेकर आम जनता तक हर कोई इस महान शख्सियत को याद कर रहा है। टाटा ग्रुप के कर्मचारियों से लेकर उन लोगों तक जिनकी जिंदगी में रतन टाटा ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई सकारात्मक बदलाव लाया, सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने भी उनके दुनिया से चले जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। गुड रिटर्न्स की पूरी टीम की तरफ से भी रतन टाटा जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।